एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वैसे क्या आपको आपकी आइडियल प्रॉपर्टी अभी तक मिली या नहीं? क्या अभी तक नहीं मिली? ओफो, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना आपकी सारी प्रॉपर्टी रिलेटेड टेंशन लेने के लिए। मैं कौन? मैं हूँ जॉली यादव। एंड सबसे पहले लेट मी वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु, जहाँ हम आपको दिखाते हैं ट्राई सिटी की बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज, ताकि आप अपने घर बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टीज देख पाएं और डिसाइड कर पाएं कि आखिर आपको रहना कहाँ है, और इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी में आपको बाहर ना निकलना पड़े। तो जैसे कि मैं हर दिन आपको किसी ना किसी नई प्रॉपर्टी पे लेके जाती हूँ, तो आज भी मैं एक नई प्रॉपर्टी पे आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जो आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसका नाम है बॉलीवुड एसेंशिया। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये लोकेटेड रहेगा आपका ईस्ट VIP रोड जीरकपुर में। अब मैं साथ ही इसकी कनेक्टिविटी की भी बात करूँ तो यहाँ से आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल पास में रहेगा। साथ ही साथ इस जगह की बाकी नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। बीएड दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, सारी जगह का यहां से आपको सीधा एक्सेस मिलता है। अब मैंने कनेक्टिविटी और लोकेशन बता दी है, तो अब आपको मैं नियर बाय हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस भी बता ही देती हूँ। तो यहाँ से सभी मेजर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्कुल प्रोजेक्ट के 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर रहेंगे। जिसमें कि मैं आपको 3 BHK अपार्टमेंट दिखाऊंगी। इसका साइज रहेगा 1950 square feet। इट इज अ स्मार्ट होम एंड ये रहेगा इसका ड्राइंग एरिया, वेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग एरिया। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता दूं तो ये रहेगा आपका 12 by 12 square feet के साइज में। बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डेकोरेशन रखी गई है इसमें, बट बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है ये। काफी प्रिटी एंड काफी एलीट ड्राइंग एरिया है ये। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इन्होंने 8-seater सोफा सेट लगाया हुआ है, उसके बाद भी मूवमेंट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 3 BHK अपार्टमेंट है, एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट रहेंगे विद अ स्टेयरकेस एंड अ लिफ्ट। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मेन डोर पर रहेगा डिजिटल लॉक। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है स्मार्ट लॉक। विद दैट ये पूरी टाउनशिप आपकी 7.5 acre में रहेगी, जिसमें कि आपको 4 parks मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको पूरे टाउनशिप में 4 parks मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको 6,000 square feet एरिया के अंदर क्लब हाउस भी मिल रहा है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिल रहा है, जिसमें कि आपकी सारी अमेनिटीज रहेंगी। जिम रहेगा, स्विमिंग पूल रहेंगे, इंडोर गेम्स रहेंगे, बैंकेट हॉल रहेगा। आपको जो भी क्लब हाउस में चाहिए होता है, यहाँ के क्लब हाउस में वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि ये ड्राइंग एरिया है, तो आप जैसे कि ये फॉल सीलिंग देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। विद दैट आपकी AC की डक्टिंग वहाँ रहेगी। साथ ही साथ आप ये टाइलिंग देखिए, बहुत ही अच्छी टाइलिंग है यहाँ की, बहुत ही एलीट। अगेन आई विल से बहुत ही एलीट लुक है इस पूरे अपार्टमेंट का। तो जैसे कि आप ये टाइलिंग देख रहे हैं, सेम पूरे अपार्टमेंट में रहेगी यही टाइलिंग। विद दैट ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। तो इसके भी मैं सबसे पहले आपको साइज बता दूं, ये रहेगा आपका 12 by 14 square feet के साइज में। काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया है, आप देख ही सकते हैं मूवमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस है। एंड ये डाइनिंग टेबल देखिए कितनी ज़्यादा प्रिटी है, कितनी ज़्यादा एलिट एंड सोफिस्टिकेटेड है। बहुत ही अच्छी डाइनिंग टेबल है ये। साथ ही स्पेस को भी देखिए, एक तो बहुत अच्छे तरीके से ना, पता है इन्होंने इंटीरियर बहुत अच्छा यूज़ किया है इस अपार्टमेंट का। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया है, हर चीज़ ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जैसे कि इन्होंने ये मिरर लगाया हुआ है, उसके नीचे कैबिनेट्स वाला ये
कबर्ड रखा हुआ है, यहाँ पर आप यू नो कुछ एक्स्ट्रा सामान अगर है पड़ा हुआ तो उसमें स्टोर कर लें, यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रख लें, है ना कितना अच्छा। ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ ही आपका यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया है, इसको आप अपनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर मंदिर बना लें, क्योंकि क्या होता है ना कई सारे क्लाइंट्स को मंदिर चाहिए होता है 3 BHK अपार्टमेंट में, बट मोस्टली उनको दिया नहीं जाता। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि ये 3 BHK अपार्टमेंट है, बट इसमें मंदिर के लिए एक अलग से स्पेस भी दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी और बहुत ही अच्छा मंदिर बना सकते हैं, ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। बट यू नो अगर आपको मंदिर नहीं बनाना है तो आप चाहें तो इस एरिया को एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का गेट लगवा के दे देगी अगर आपको स्टोर रूम बनाना है। ओके, दिस आई लव मिरर्स। यहाँ पर उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से डाइनिंग एरिया को सजाया हुआ है, यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है इस पूरे वॉल पे, कितना प्रिटी है। यहाँ पर आप आते जाते अपने आप को देख सकते हैं, कहीं रेडी होके जा रहे हैं तो एक फाइनल लुक यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी चाहें तो यू नो ऐसा ही कुछ अपने डाइनिंग एरिया में कर सकते हैं, बहुत अच्छा था ये। तो आपका ड्राइंग डाइनिंग एंड उसके जॉस साथ में रहेगी आपकी मॉड्यूलर किचन, तो चलते हैं अब किचन में। सो ये है आपकी मॉड्यूलर किचन, अगेन बहुत ही प्यारी सी किचन है ये, ड्राइंग डाइनिंग के बिल्कुल सामने रहेगी, यहाँ पर आपका खाना बनेगा, यहाँ पर आप खाना खाएंगे, उधर आप चाहें तो आपके गेस्ट बैठे होंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया हुआ है, ये बहुत प्रिटी है ये। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ जैसे कैबिनेट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपको कैबिनेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड आपके सारे कैबिनेट्स सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे। काफ़ी अच्छा स्टोरेज का स्पेस है यहाँ पर। विद दैट आपको इस किचन में चिमनी, हॉब एंड आरओ इंक्लूडेड रहेगा, ये आपको इंक्लूडेड मिल रहा है, ये सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है इस किचन में। विद दैट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूअल सिंक है, तो इन्होंने ड्राई एंड वेट सेक्शन को दोनों को सेपरेट किया हुआ है। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है आपकी किचन की बालकनी, जिसे कि आप एज अ यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जैसे कि आप ये फॉल सीलिंग देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेम टाइलिंग रहेगी, पूरे अपार्टमेंट में टाइलिंग सेम एज इट इज़ रहेगी। विद दैट ये स्पेस दिया हुआ है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। तो मैंने आपको ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन दिखा दी है, अब मैं लेकर चलती हूँ आपको बेडरूम्स की तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले बेडरूम नंबर वन में, एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर वन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता दूं, तो ये रहेगा आपका 11x12 स्क्वायर फीट के साइज में, बहुत ही प्रिटी बेडरूम है, आप देख ही सकते हो। पूरा ब्लू थीम इन्होंने यूज किया है, ब्लू वॉल, ब्लू बेड एंड ब्लू रग ऑल्सो, वेरी प्रिटी इट इज। साथ ही आप मेरे पीछे जो ये कवर्ड देख रहे हो, आपको ये भी प्रोवाइड की जाएगी, सेम एज इट इज़ आपको कवर्ड दी जा रही है। एक्चुअली पूरे अपार्टमेंट में जितने भी रूम्स हैं, तीनों रूम्स में आपको कवर्ड भी इंक्लूडेड रहेगी। फुल वॉल लेंथ ये कवर्ड है, बहुत ही अच्छा स्पेस है, आपका सारा सामान इसमें आसानी से आ जाएगा। साथ ही ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस, तो यहाँ से आपके अपार्टमेंट के अंदर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। विद दैट मैं आपको दिखा दूं कि ये रहेगा एसी की डक्टिंग, विद दैट यहाँ रहेगा आपका एलईडी पैनल का स्पेस, एंड दिस इज द वॉशरूम ऑफ योर बेडरूम नंबर वन। वेरी बिग इट इज़ आई मस्ट से, काफ़ी अच्छा। और का यू नो फर्स्ट बेडरूम्स में इतना ज़्यादा बड़ा वॉशरूम दिया नहीं जाता है, बट यहाँ का वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत प्रिटी है, टाइलिंग बहुत अच्छी है, यहाँ की ब्राउन कलर की टाइलिंग है, तो आपको सेम एज इट इज़ प्रोवाइड की जाएगी। विद दैट जैसे कि आप ये फ्लोर टाइलिंग देख रहे हैं, सेम आपको फ्लोर टाइलिंग रहेगी, सीलिंग सेम रहेगी, पूरे वॉशरूम में सारी प्रीमियम फिटिंग्स यूज़ की गई हैं। एंड वन मोर थिंग, ये मिरर ये भी इंक्लूडेड रहेगा, जी हाँ ये मिरर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। विद दैट ये अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट है, यानी कि यहाँ पे सफोकेशन का कोई पंगा ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपार्टमेंट में 5 फैंस आपको मिल रहे हैं, जिसे कि आप एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग राइट, आफ्टर ऑल इट्स अ हाउस ऑफ द प्रेजेंट, है ना। साथ ही साथ तीनों वॉशरूम्स में आपको गीजर प्रोवाइड किया जा रहा है,
किचन में आपको चिमनी, हॉब, आरओ प्रोवाइड किया जा रहा था, तीनों रूम्स में आपको कबर्ड प्रोवाइड की जा रही है, कितना कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना कमाल की बात। तो चलो उसी के साथ मैं आपको लेकर चलती हूँ बेडरूम नंबर 2 में। एंड दिस इज योर बेडरूम नंबर 2। वाओ, बहुत ही प्रिटी है, सबसे ज्यादा प्रिटी है यार ये बेडरूम तो। कितना प्यारा और कितना, मुझे ना मिनिमलिस्टिक लुक्स बहुत पसंद आते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक तरीके से इसको डेकोरेट किया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है, कुछ ज़बरदस्ती के आइटम्स यहाँ पे फिट नहीं किए हुए हैं। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही प्यारा लुक है इस बेडरूम का। सबसे पहले फिर मैं आपको साइज़ बता दूँ, तो ये रहेगा आपका 10.5 x 13.5 स्क्वायर फीट के साइज़ में, जिसमें कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ बेड के जस्ट सामने रहेगा आपका एलईडी पैनल का स्पेस, जिसके ऊपर रहेगी एसी की डक्टिंग। विद दैट कबर्ड आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों रूम्स में कबर्ड मिल रही है आपको। तो ये रहेगी आपकी फुल वॉल माउंटेड कबर्ड, एंड ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस, जो कि आपकी फर्दर किचन एंड बेडरूम नंबर 3 की कॉमन बालकनी है, जिसका मतलब है अगेन वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं। एंड दिस इज योर वॉशरूम नंबर 2, जो कि आपके बेडरूम नंबर 2 की अटैच्ड वॉशरूम है। अगेन आप जैसे कि ये वॉशरूम देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारी प्रीमियम फिटिंग्स रहेंगी वॉशरूम में, साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन का स्पेस भी आपको दिया जा रहा है। विद दैट अगेन मिरर इंक्लूडेड रहेगा। विद दैट आपको ये जैसे कि ये वैनिटी दिख रही है, सेम एज इट इज आपको ये भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड अगर आप हमारी वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ मुझे याद आई, आप लोग मेरी वीडियोस में मुझसे पूछते हैं कि मैं प्राइस क्यों नहीं बताती हूँ आप लोगों को, तो उसका रीज़न मैं आपको आज बताती हूँ कि मैं प्राइस आप लोगों को इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि विद टाइम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता रहता है, यानी कि 2-3 महीने बाद प्राइसेस अलग हो जाते हैं। सपोज़ कोई वीडियो आज अपलोड हुई है या मई में अपलोड हुई है, और अगर आप लोग उसे 2-3 महीने बाद देख रहे हैं या सपोज़ 1 साल बाद देख रहे हैं, तो उसके प्राइसेस में हाइक आ जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के आप लोगों को पता ही है कि प्राइसेस बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं, तो इस रीज़न की वजह से हम आपको प्राइसेस नहीं बताते हैं। विद दैट दिस इज योर बेडरूम नंबर 3। अगेन मैं इसका साइज बता दूं आपको, तो ये रहेगा 10.5 x 13.5 स्क्वायर फीट के साइज में। बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3 का साइज रहेगा सेम। काफ़ी स्पेशियस एंड काफ़ी प्रिटी बेडरूम है ये, बहुत ही अच्छा मूवमेंट का स्पेस है यहाँ पर। आप यू नो अगर चाहें तो यहाँ पर काउच भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस है। विद दैट आप ये मेरे पीछे जैसे कि ये कबर्ड देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी अच्छा स्टोरेज का स्पेस है। एंड ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये किचन एंड बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3 की कॉमन बालकनी रहेगी। विद दैट ये रहेगा आपका एलईडी पैनल का स्पेस, एंड ये रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग। And this is the attached washroom of your bedroom number 3, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, same as it is आपको provide की जाएगी, same wall की tiling रहेगी, same floor की tiling रहेगी, साथ ही साथ ventilation के लिए यहाँ पे window भी provide की जा रही है। With that आप ये geyser देख रहे हैं, इसका सिर्फ provision नहीं, आपको geyser भी provide किया जा रहा है, and पूरे washroom में premium fittings use की गई हैं इस mirror के साथ, ये mirror भी आपको included रहेगा इस washroom में। So this was all about a 3BHK apartment in Zirakpur. आपको ये apartment कैसा लगा हमें comments करके ज़रूर बताएं, साथ ही अगर आपके पास कोई suggestion है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अब अगर मेरी बात करें कि मुझे ये apartment कैसा लगा, तो मुझे ये apartment बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके बहुत सारे reasons हैं। यहाँ पर आपको कितना कुछ मिल रहा है, यहाँ आपको आरू मिल रहा है, गीज़र मिल रहा है, चिमनी मिल रही है, हॉब मिल रहा है, साथ ही साथ आपको सेम सारे अपार्टमेंट में फॉल सीलिंग मिल रही है, टाइलिंग मिल रही है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ओवर हियर। साथ ही साथ आपको तीनों वॉशरूम में मिरर भी मिल रहा है, वो भी स्मार्ट टच के साथ। जी हाँ, ये डील बहुत ही अच्छी है। अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे में रहेंगे, साथ ही साथ
जगह की लोकेशन बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है एंड सभी चीज़ें प्रोजेक्ट के बिल्कुल आसपास हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आर टीम विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। साथ ही साथ ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। बाय बाय एंड टेक केयर।